प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण थ्योरम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता परिमेय या फिर थेल्स परिमेय। यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने इसका प्रतिपादन किया था, तो इस वजह से इसको थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है इसकी, इसमें कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये हमारे पास परिमेय है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो बारी बारी से, सबसे पहले तो हम देखेंगे हमें दिया क्या हुआ है। दिया गया है प्यारे बच्चों, एक बार अगर आप इसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, थ्योरम को कंप्लीट करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो, किसी यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि एक त्रिभुज है हमारे पास, लो जी हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमने एक त्रिभुज ले ली, त्रिभुज ले ली ए बी सी, इसकी एक भुजा के समांतर, भुजा बी सी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो भुजा BC के समांतर एक हमने रेखा खींच ली DE। वैसे आप इसको इस तरह से रेखा के लिए इस तरह से दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको रेखाखंड के रूप में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंड हो जाए उस हिसाब में, तो हमारा रेखाखंड यूज होगा DE। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, सिंपल रेखाखंड के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो अन्य दो भुजाएं बीसी के समांतर है, तो जो अन्य दो भुजाएं हैं कौन कौन सी, ए बी और ए सी, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, तो हमें यह दिखाना है कि अनुपात इनका सेम। तो दिया गया हमारे पास क्या गया, क्या दिया गया, त्रिभुज ए बी सी जिसमें क्या है हमारे पास, इस त्रिभुज एबीसी में ये जो डी है डीई वो समांतर है, ये समांतर का निशान है किसके, बीसी। तो ये हमारे पास हमें दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप अगर इसको और बड़ा करके लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि त्रिभुज एबीसी जिसमें भुजा बीसी के समांतर भुजा बीसी के समांतर एक अन्य रेखा डीई डीई एबी को भुजा एबी को डी बिंदु पर तथा भुजा एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो। तो कुछ नहीं, जो इसमें दिया हुआ है सिर्फ हमने इसको यूज किया है। अब सिद्ध करना है, अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए के अनुपात में विभाजित होते हैं, यानी कि भुजा ए बी और ए सी, तो भुजा ए बी के देखो ये विभाजित हो रही है कहां पे, ए डी और डी बी, तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटे में डी बी बराबर है किसके,
एई बटे में ई सी, एई बटे में ई सी। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब रचना हमें यहां पे लिख लेते हैं। रचना के लिए हम क्या करते हैं, हमने टी बिंदु से एक लंब खींचा डीएम और सी टी बिंदु से भी एक लंब खींचा सीएम। तो डीएम लंब है, ये लंब का निशान है, डीएम लंब खींचा हमने एसी पर, एसी तथा डीएम के बाद है ईएम लंब है, ईएन लंब है एबी खींचे। तो ये हमने इस पे लंब की। अब इसका प्रमाण देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। प्यारे बच्चों, हम त्रिभुजों का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेके इसको प्रूव करेंगे। हम यहां पे, अब देखो हमें एडी बटे में डीबी और एई बटे में ईसी चाहिए। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटा दो आधार गुणा में ऊंचाई। तो ये हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो त्रिभुज, ये त्रिभुज कौन सी त्रिभुज भी बने, ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा, एक बटा दो गुना आधार ए डी ई। अब देखो ये हमारा आधार है, अब आधार आप इसमें से कौन सा लोगे, ए डी ई। अब अगर हम ए ए डी को आधार मान लेते हैं, ए डी हमारा आधार है, तो लंब हमारा ये है, क्या होगा एन ई, ये हमारा लंब है। इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज, अब देखो ए ए डी ई ली थी हमने, अब हम ले रहे बी डी ई, बी डी ई का क्षेत्रफल एक बटा दो गुना में आधार। अब यहां पे बी डी ई, तो बी डी ई यहां से हम इसको मिला देते हैं और हम इसको भी मिला देते हैं। तो रचना में आप ये भी लिख देंगे, तो बी डी बनाने के लिए हमें पहले इसको मिलाना पड़ेगा। तो रचना में हम ये और लिख देंगे कि बिंदु बी और ई तथा, बिंदु बी और ई तथा सी और डी को मिलाया, ये हमने मिला दिया। अब इस पे आ जाओगे, यहां थोड़ा सा ध्यान, प्यारे बच्चों इस पे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान दे। अब देखो हमारे पास आधार हमने माना है डीबी, हमारा जो आधार है वो डीबी है गुना में। अब देखो ये आधार है, तो इस त्रिभुज के लिए जब ये आधार हुआ तो लंब, लंब देखो कहां जाएगा, ये हमारा लंब है, लंब है हमारा एन ई, तो ये हमारे पास लंब हो गया। यहां पे हम, हमें कौन सी त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, ए डी ई और बी डी ई। अब इसी प्रकार से हम दोबारा से लेते हैं त्रिभुज कौन सी, ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल। अब की बार आधार बदलेंगे हम, आधार हमने अब की बार ए
ए ई लेंगे तो एक बटा दो गुना में आधार ए ई और गुना में आधार अगर ए ई है तो लंब हमारा कितना है डी एम, ये लंब है। इसी प्रकार त्रिभुज ये तो होगी हमारी, अब हम दूसरी त्रिभुज ले रहे हैं डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का अक्षेत्रफल एक बटा दो आधार है हमारा ई सी गुना में, अब देखो ई सी ई सी हमारी डी ई सी यह त्रिभुज है आधार ये है तो लंब देखो कहां यहां पे आगे बढ़ाएंगे जब इसको तो ये हमारा लंब है, क्या है हमारा लंब डी एम। अब देखो यहां पे हमने चार तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आप एक चीज और देखें कि हमारे पास त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज एक तो हमारी बी डी ई और एक डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार कौन सी है बी डी ई, बी डी ई एक ही आधार और दूसरी कौन सी है डी ई सी, डी ई सी ये वाली एक ही आधार है कौन सा है डी ई और समांतर रेखाओं कौन कौन सी डी ई और बी सी के बीच है, के बीच है। अब ये एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच है इसलिए ही दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल नियम क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुजे एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब यह क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, पहले वाले केस में हमने ए डी ई और बी डी ई ली थी, दूसरे वाले केस में ए डी ही ई है तो और दूसरी डी ई सी है। अब देखो ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज तो एक ही है यानी कि इनके क्षेत्रफल तो बराबर ही है, और ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज इनके क्षेत्रफल इस नियम के हिसाब से बराबर हो गए, यानी कि इसके बटे में अगर मैं ये करता हूं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज कौन सी हमारे पास डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब देखो ए डी ई और ए डी ई तो ये सेम है और बी डी ई और डी ई सी ये हमने बता ही दिया कि बी डी ई और डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि इसके बटे में ये और इसके बटे में ये करें तो बराबर ही आएगा क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब यहां से आप देखेंगे कि ए डी ई का क्षेत्रफल कितना है, मैं यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं क्योंकि तो स्टेटमेंट ही है, इस पोर्शन को हम हटा लेते हैं। ए डी ई क्या है एक बटा दो गुना में ए डी गुना में एनी एनी बटे में एक बटा दो गुना में बी डी ई, बी डी ई का क्षेत्रफल एक बटा दो
ये हो गया डी बी और गुना में एन ई बराबर है ए डी का आपकी पता है तो दूसरे वाला लिया हमने दूसरी तरह से लिया है एक बटा दो गुना में ए ई गुना में डी एन और बटे में एक बटा दो गुना में ई सी गुना में डी एम। अब एक बटा दो इसके साथ कैंसिल एन ई इसके साथ कैंसिल एक बटा दो इसके साथ कैंसिल डी एम इसके साथ कैंसिल हमारे पास बचा ए डी बटे में डी बी बराबर है ए डी बटे में डी बी और बराबर है ए ई बटे में ई सी। और हमें सिद्ध क्या करना था ए डी बटे में डी बी ए ई बटे में ई सी ए डी बटे में डी बी ए ई बटे में ई सी हेंस प्रूफ। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चे इसका आंसर आ गया। एक बार फिर से देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा है कि एक त्रिभुज है भाई हमारे पास कोई भी जिसका हमने नाम दे दिया एबीसी। इसके किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा अगर खींची जाए तो हमने वो क्या मान ली डीई। जो अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद किया डी और ई पे। तो जो बाकी की जो दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होगी यानी कि ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी होगा। तो हमारे पास दिया हुआ है एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा बी सी के समांतर एक रेखा ए बी को डी पर और ए ई को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और क्या लिख सकते हैं हम डी ई समांतर है बी सी के। अब हमें सिद्ध करना है ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी ये हमें सिद्ध करना है। अब हमने रचना क्या की कि हमने डी एम लंब खींचा ए सी पर और ई एन लंब खींचा ए बी पर और सी डी को भी मिला दिया और बी ई को भी मिला दिया। अब देखो ये जो त्रिभुजों से संबंधित हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया है हमें कहां पहुंचना है ए डी बटे में डी बी पे। तो पहले हमने त्रिभुज कौन सी ली ए डी ई ये त्रिभुज ली हमने। अब देखो सीधी सी बात है हमें भाई ए डी चाहिए तो इस त्रिभुज में यानी कि इस ए डी को हमें क्या मानना पड़ेगा आधार। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल एक बटा दो गुणा में ए डी आधार लिया है। अब ये आधार है हमारा तो डी एम हमारा सॉरी ये आधार है तो लंब हमारा एन ई हो गया या एन एन ई या फिर ई एन हो गया तो ये हमारे पास लंब हो गया। अब ये तो हो गया अब हमें क्या चाहिए देखो ए डी तो मिल गया इसके अंदर हमारा ए डी आ गया इसको ये समझना बस आपको। अब हमें डी बी या बी डी चाहिए तो डी बी चाहिए तो हमने ये वाली त्रिभुज ली। अब सीधी सी बात है आधार तो हमें ये लेना है तो एक बटा दो गुना में आधार तो ले लिया लंब देखो हमारे पास ये होगा जिसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो एन ई हमारे पास लंब होगा तो एक बटा दो डी बी और एन ई। अब देखो जब इसके बटे में ये करूंगा तो ये इसके साथ कट जाएगा ये इसके साथ कट जाएगा ए डी बटे में डी बी बचेगा जो हमें चाहिए था एक कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब हमें ए ई और इसी चाहिए ए ई और इसी चाहिए ए ई देखो ये रहा ये इस त्रिभुज में आएगा तो दोबारा से फिर हमने ए डी ई त्रिभुज ले ली। अब की बार आधार हमने ए ई लिया है तो ए ई को अगर आधार माना है तो लंब क्या हो गया डी एम लंब हो गया इसको इस बार क्षेत्रफल क्या हो गया एक बटा दो ए ई गुना में डी एम। इसी तरह से अब हमें ई सी चाहिए तो ई सी के साथ ट्रायंगल बनेगी तो ये बनेगी हमारे पास तो अब की बार ये हमारा आधार है तो ये हमारा आधार है तो इस पे देखो हमारा लंब क्या बनेगा तो लंब हमारे पास हमने ट्रायंगल ली डी ई सी हमने ट्रायंगल ली डी ई सी तो ये तो हमारे पास आधार हो गया इस पे लंब चाहिए हमें तो इस पे लंब देखो कहां यहां प्रोड्यूस किया हमने तो ये लंब हो गया डी एम तो एक बटा दो गुणा में ई सी गुणा में डी एम। अब देखो एक बटा दो के साथ कट जाएगा और डी एम के साथ कट जाएगा तो ए ई बटे में ई सी। अब जो टर्म्स चाहिए थे वो टर्म्स तो हमें मिल गई इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बटे में ये करने से और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बटे में ये करने से लेकिन ये बराबर तो नहीं हुई अभी तक तो इसके बटे में ये करने से और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बटे में ये करने से हमें ये टर्म्स मिल गई दोनों इनको बराबर दिखाना रह गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये तो त्रिभुज ही बराबर है तो इनका तो क्षेत्रफल बराबर हो गए
ये त्रिभुजें अलग है, दूसरी बार हमने जो ली है ये बी डी ई है और ये डी ई सी है। इसमें क्या हुआ, ये जो दोनों त्रिभुजें हैं, एक तो हमारी ये वाली और एक हमारी ये वाली, एक तो हमारी ये है और एक हमारी ये है, लेकिन दोनों एक ही आधार डीई और समांतर रेखाएं डीई और बीसी के बीच में बनी हुई है, इस वजह से इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। अब तो हमारा काम हो गया। अब देखो इसके बटे में ये और इसके बटे में ये, तो ये क्षेत्रफल तो इसके बराबर था, तो ये क्षेत्रफल इसके बराबर है, तो सारी टर्म ऊपर वाली टर्म के बराबर होगी और नीचे वाली के बराबर होगी, तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ऐसे कि त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, क्योंकि ये तो दोनों तो सेम है और ये हमने इनके क्षेत्रफल बराबर दिखाई दिए। अब इनके फॉर्मूले वाली वैल्यू रख दी और सोल्व कर दिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम था थेल्स थ्योरम। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये जो थ्योरम है हमारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को सोल्व करने में यूज होगी, तो बहुत अच्छे से आपने इसकी तैयारी करनी है। अगर कहीं से भी आपको लगता है कि यहां से नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।